हिमाचल प्रदेश के चंबा में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। पुलिस ने 8 शव बरामद कर लिए हैं, वहीं बताया जा रहा है कि 10 लोग घायल हैं। आपको बता दें कि चंबा के तीसा में कॉलोनी मोड़ के पास एक बस खाई में गिर गई। इस बस में 20 से 25 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि ये निजी बस बुदेड़ी से चंबा के लिए आ रही थी और इस दौरान मोड़ से नीचे लुढ़क गई। वहीं पुलिस प्रशासन घायलों को निकालने में जुट चुका है। घायलों को नजदीक के हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचाया जा रहा है और तब तक 8 शव निकाले जा चुके हैं। वहीं बताते चले कि शुरुआती जांच में हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन अंदेशा लगाया जा रहा है कि चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और बस खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयंकर था कि बस के पर खच्चे उड़ गए। वहीं चंबा में इस बड़े हादसे पर सीएम जयराम ठाकुर का बयान आया है। उन्होंने अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। सीएम ने बताया है कि 10 लोगों के घायल होने की सूचना है। डीसी और एसपी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जिला प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं डिप्टी स्पीकर और चुराह के विधायक हंसराज ने भी इस घटना पर दुख जताया है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।